आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विसेज लिमिटेड, मैंने बहुत क्वालिटी कंपनी, अपोलो टायर्स की प्रोमोटेड कंपनी है और पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त परफॉर्मेंस कंपनी में आया है। और जो बढ़िया बात है कि जून का क्वार्टर बहुत बढ़िया गया है और मार्च का क्वार्टर एक्स्ट्रॉर्डिनरली बढ़िया था। 13 करोड़ का पैट था जो कि लास्ट मार्च में 4.5 करोड़ का था और लास्ट जून में लाजमी था कि लॉस होना था और इस बार जून में अच्छा खासा इनके प्रॉफिट है 4.5 करोड़ का। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में बिल्कुल निवेश करना चाहिए इन लेवल्स पे। और सबसे बढ़िया बात है गवर्नमेंट ऑफ केरला का भी इसमें स्टेक है करीब 7.5% के लगभग, तो उससे भी और कॉन्फिडेंस आता है। बाकी DIIs, FIIs ये सब भी है इन्वेस्टेड, तो DIIs का मैंने बता ही दिया। और जब अपोलो ग्रुप का नाम लग जाता है तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल इस स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए और आराम से 390 तक के टारगेट्स के लिए इस स्टॉक को होल्ड करें। बजाज ऑटो, और बजाज ऑटो को अगर हम देखें तो काफी समय से एक गिरावट में था और इसमें मैंने आज सुबह सुना भी कि कुछ टेम्पररी कुछ माइनर नेगेटिव किसी कंपनी ने डाउनग्रेड किया, लेकिन अगर हम इसको ओवरऑल अगर इसको देखें तो मुझे लगता है कि ये सारे नेगेटिव्स ऑलरेडी प्राइस में दिख चुके हैं और पूरा का पूरा ऑटो सेक्टर मुझे लगता है कि अब यहाँ से बॉटमिंग आउट होता हुआ दिखेगा। तो करंट लेवल पे एक अच्छा बार्गेन मिल रहा है बजाज ऑटो में और इसी लेवल के आसपास में काफी अहम सपोर्ट है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से रिवर्सल आता हुआ हमें दिखना चाहिए। तो 2 महीने के पर्सपेक्टिव से बजाज ऑटो को पोर्टफोलियो में निवेश के तौर पे खरीदें और इसमें 4300 तक के मुझे लगता है कि टारगेट आते हुए दिखेंगे और 3550 पे एक हम स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं इस ट्रेड के लिए। तो आज 10 की कमाई में बजाज ऑटो पे खरीदारी की राय है।